खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी तनाव के बीच भारत ने कनाडा को एक अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक वापस बुला ले। बता दें, भारत ने कनाडा से साफ साफ कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिक छूट भी खत्म कर दी जाएगी। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बोलते हुए भारत पर आरोप लगाया था कि कनाडाई नागरिक हरदीप निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रूडो ने कहा था कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की कड़ी के आरोपों की बड़ी सक्रियता से जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिसे घटाकर मोदी सरकार ने 21 करने के लिए कहा है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव तब हुआ था जब 18 सितंबर को कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था और भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के भीतर देश से निकालने का आदेश जारी किया था। भारत ने कनाडा के बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार की मिलीभगत के आरोप बेतुके हैं, लेकिन आखिरी में भारत की ओर से अल्टीमेटम देने के बाद जस्टिन के तेवर नरम पड़ गए और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा नई दिल्ली के साथ तनाव की स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता है और भारत के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक रिश्ते जारी रखना चाहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।